الحمد لله نحمده ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة زلالة وكل زلالة في النار الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنك ميت وإنهم ميتون اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب زدني علما ورب زدني علما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم ثبتني وجعلني هاديا مهديا اللهم ثبتني وجعلني هاديا مهديا اللہ پاک دی مختصر حمد و ثنا تو بعد لکھاں کروڑاں درود و سلام آمینہ دلال پیکر حسن و جمال صاحب شرف و کمال جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات اقدس واسطے اللہ مالک کائنات دا احسان ہے
जिस मालिक ने वक्त नाल अपने घर के अंदर आन की तौफीक अता फरमाई, अल्लाह सोना मिल बैठना, सुनना सुनाना कबूल फरमा के जरिए निजात बनाए। 12 रबीउल अव्वल इस दिन दे नाल एक गम की घड़ी का तल्लक है, गम की घड़ी जुड़ी हुई है। वैसे तो इस महीने अंदर खुशी भी है, खुशी मनाई भी जाती है, खुशी का मौका आया भी सी, लेकिन त्रेठ साल तो बाद इस महीने के अंदर गम की घड़ी भी आई। इस महीने के अंदर अगर खुशी आए फिर उस महीने के अंदर गम आ जाए, गम तो बाद अंदर आया है, लोग खुशी भुल जाते हैं, गम याद रह जाता है। इमाम कायनात जनाबे मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गोडे छड़ के हमातन सरापा गोश होके बैठो, सोने नबी का नाम आए तो दरूद पाक पढ़ना है। अगर कोई गल चंगी लगे तो सुभान अल्लाह कहनी है ताकि तुसी जागते रहो, तुहानू गल समझ आ जाए। 571 ईस्वी गल शुरू हो गई। खुशी का मैं तज़किरा करके नाल जिहड़ा गम का इस महीने नाल ताल्लुक है वह सुनाना चाहना। 571 ईस्वी है, मुफस्सिरीन ने मुख्तलिफ तारीखा लिखिया ने, कुछ ने 8 रबीउल अव्वल लिखा है, कुछ ने 12 रबीउल अव्वल लिखे है, लेकिन राजे कौल के मुताबिक 9 रबीउल अव्वल। इमाम कायनात जनाबे मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम इस दुनिया के अंदर तशरीफ ले आए। खुशी का मुकाम है, बाप वैसे सिर ते कोई नहीं, ते अम्मा जी आमना मेरे नबी दी मां जी है, उन्हां नूं अल्लाह मालके कायनात ने उम्मीद ला छड़ी है, ते अम्मा जी आमना बैठिया ने, ते अल्लाह नाल गल्लां करदियां होणगियां, हर मां ही करदी है। जदों अल्लाह ने उम्मीद ला छड़े ना ते मां कहिंदी है, अल्लाह सोहणिया मैनू औलाद देवी, पुत्र देवी, ते अखां दी ठंडक देवी। क्यों जी? कहंदी है ना, हर मां ही कहंदी है, अल्लाह मैनू औलाद देवी, मेरे पुत्र दी अख होए ते मेरे उंदे बाप जैसी होए, अल्लाह मैनू बेटा देई उंदा चलना होए ते उंदे बाप जैसा होए, बाप मौजूद होए ते मुड़ क्या ही बात है। लेकिन जदों बाप दा साया सिर तो उठ जाए फिर मां कहंदी है, अल्लाह सोहणिया अगर मैनू बेटा देवे वो चले ते अपने बाप रंगा लगे, उंदी अख होए ते अपने बाप रंगी होए, उंदा खाना होए ते अपने बाप रंगा होए, उंदा पीना होए ते अपने बाप रंगा होए, मेरा मालक आसमाना ते बह के मुस्कुरांदा होएगा, नाल फरमांदा होएगा, बीबी आमना दुख ना कर, परेशान ना हो, मैं तेनू लाल दियांगा, उंदी अख रंगी जहान अंदर किसे दी अख नहीं होएगी, मैं तेनू लाल दियांगा, उंदे चलने रंगा किसे दा चलना नहीं होएगा, मैं तेनू लाल दियांगा, उंदे खान रंगा किसे दा खाना नहीं होएगा, मैं तेनू लाल दियांगा, चलेगा ते कुरान बन जाएगा, खाएगा ते कुरान बन जाएगा, मक्के जाएगा ते कुरान बन जाएगा, मदीने आएगा ते कुरान बन जाएगा, अम्मा की आयशा ते हुजरे च जाएगा ते कुरान बन जाएगा, बदर जाए ते कुरान बन जाए, अबू बकर इमाम कायनात दे कोल आए, अबू बकर कुरान दी आयत बन जाए, उमर आए, उमर कुरान दी आयत बन जाए, मक्का आम शहरां दी तरह शहर है, मक्का इमाम कायनात दे नाल जुड़े, मक्का कुरान दी आयत बन जाए, मेरा नबी जुल्फा खोले कुरान बन जाए, मुंह विचों बोले कुरान बन जाए। ए इमाम कायनात जनाबे मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रबीउल अव्वल दे महीने अंदर आए ने, हर कोई मानता है, हर किसी नूं खुशी है,
लेकिन वीर सोनिया 12 रबी अव्वल जाके पूछ लवी अपने मौलवी साहब नू, जाके पूछ लवी किसी भी शेखुल हदीस नू, किसी भी मौलवी साहब नू कि मेरे नबी इमाम कायनात इस दुनिया तो गए कदों ने, वो तैनू कहेगा इमाम कायनात इस जहान तो गए ने ते 12 रबी अव्वल नू गए ने। 12 रबी अव्वल 11 हिजरी है वीर सोनिया, अज दे दिन नाल मेरे नबी दी याद जुड़ी है। मैं तज़किरा करना चाहना इमाम कायनात जनाबे मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह मालिक कायनात ने ना कुरान अंदर इशारे बयान फरमाए ने, ए नबी तैनू मौत आ जानी है, तू दुनिया तो चला जाना है। मैं नहीं कह रहा, मौलवी नहीं कह रहा, शेखुल हदीस नहीं कह रहा, मालिक कायनात का कुरान है। गौर करे आज इलाहुल आलमीन का कुरान ऐलान कर दे, अल्लाह मालिक कायनात ने अपने कलाम पाक अंदर इरशाद फरमाया इन्नक मय्यितुन व इन्नहुम मय्यितुन, किधर मेरा मालिक फरमांदा है वमा मुहम्मदुन इल्ला रसूल कद खलत मिन कबलिहि रुसुल अफा इम्माता औ कुतिलन कलबतुम अला आकाबिकुम वमैयन कलिब अला अकिबैहि फलैयजुर्रुल्लाहा शैअन वसयजजिल्लाहुश्शाकिरीन। मेरे मालिक कायनात ने फरमाया ऐ मेरे सोने नबी इमाम कायनात बदरुद्दुजा खैरुल वरा शमसुज़ुहा 14 तबकां दे सरदार जनाबे मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। शुरू दे अंदर मैं तेरा ज़ौक ताज़ा कर देना चाहना ताकि तेरी तवज्जो मेरे वल भरपूर रवे, केड़ा मेरा नबी आला नबी उच्चा नबी अरफा नबी वीर सोनिया। इमाम कायनात का नाम है मुहब्बत नाल दरूद पढ़ना है, क्यों इमाम कायनात का नाम ही बड़ा उच्चा है। तू सोना तेरा नाम भी सोना ते दिल दी तार हिलावे मोमन दे लब जपिया पावन जद नाम जुबान ते आवे। इमाम कायनात जनाबे मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह मालिक कायनात ने फरमाया ऐ सोने नबी तेरे तो पहले लोग भी दुनिया तो चले गए ने, तुसी भी इस दुनिया तो चले जाना है। किधरे मेरे मालिक ने फरमाया वमा मुहम्मदुन इल्ला रसूल कद खलत मिन कबलिहि रुसुल, ऐ मेरे सोने नबी मैं तेनू रसूल बना के भेजे तेरे तो पहले रसूल ते गुदर गए ने, अफा इम्माता औ कुतिलन कलब तुम, अगर तू फौत हो जाए या शहीद कर दिता जाए जाके घर कुरान खोल लवी कुरान पढ़ लवी। वीर सोनिया आले इमरान आयत नंबर 144 पढ़ के तर्जमा पढ़ के वेख लवी तैनू पता लग जाएगा अल्लाह दे नबी दे मौत दे तज़किरे अल्लाह ने कुरान अंदर बयान फरमाए ने। सोने नबी इस दुनिया तो जाना है, जगह जगह मालिक कायनात ने बयान फरमाया है, फिर बेशुमार दलीला अल्लाह के नबी की जिंदगी चो मिल दिया ने। मैनू वक्त इजाजत नहीं दे रहा, नहीं तो तेनू सारिया गल्लां समझावा जिहड़ी गल मैं दसना चाहना वा। वीर सोनिया अल्लाह के नबी इमाम कायनात का आखिरी साल है इस जहान अंदर, फिर मेरे नबी ने इस दुनिया तो चला जाना है। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हो मेरे नबी दे यार अल्लाह के नबी नाल प्यार करन वाले, एक दिन मस्जिद नबवी के अंदर तशरीफ फरमा ने, इमाम कायनात मस्जिद नबवी के अंदर बैठे हुए ने, मेरे नबी दे जान वाले अल्लाह दे नबी ते जाना निछावर करन वाले इमाम कायनात दे हुबदार सोने नबी दे मुहिब सहाबा इकराम भी तशरीफ फरमा ने। ते मेरे सोने नबी ने फरमाया ऐ सहाबा इकराम अल्लाह ने एक बंदे नू छुट्टियां दे छड़ियां ने, अल्लाह ने एक बंदे नू इजाजतां दे छड़ियां ने, अगर उनका दिल करे इस
इस दुनिया ते रह जाए अगर दिल करे ते अल्लाह नाल मुलाकात कर लवे ते उस इंसान ने अल्लाह नाल मुलाकात करन दा इरादा बना लिया। सारे सहाबा इकराम बैठे हुए ने ते मेरे नबी दा यार राजदारे नबूवत सोने नबी दा यार गार दा साथी मिदार दा साथी हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाहु ताला अन्हु रोन लग पैने अखा चो हंजू गिरन लग पैने। सहाबा इकराम वेखिया फरमान लगे ए यार अबू बकर की बन गया तैनू अल्लाह दे नबी ने ते किसे बंदे दी गल कीती है ते तू क्यों रोई जा रहा है तू क्यों दुखी होई जा रहा है। अल्लाह दे नबी दा यार हजरत अबू बकर रोन लग पैंदा है। इमामे कायनात दी गल सुन के वक्त गुजरदा गया अल्लाह दे नबी इमामे कायनात 29 सफर रबीउल अव्वल दे महीने तो पहला महीना चन दी 29 है ते इमामे कायनात एक जनादा पढ़ा के आ रहे ने अल्लाह दे नबी एक जनादे तो वापस आ रहे ने। सोने नबी दे सर मुबारक नु दर्द शुरू हो गया है। इमामे कायनात दा सर मुबारक दर्द शुरू करन लग पे है ते सोने नबी चलदे चलदे घर आ गए। 11 रबीउल अव्वल वीर सोनिया 12 रबीउल अव्वल 9 रबीउल अव्वल 8 रबीउल अव्वल 7 रबीउल अव्वल आज अपने अपने गिरेबान अंदर नजरा दुड़ाई नाले गलियां बदारा नु तकदा जाई नाले मदीने दे उस रबीउल अव्वल नु तकी जेड़ा 11 हिजरी नु मदीना पाक दे अंदर आया है जेड़ा 11 हिजरी नु मदीना पाक दे अंदर रबीउल अव्वल गुजरे है उस रबीउल अव्वल नु भी नजरा दुड़ा लई ते अज दे रबीउल अव्वल ते भी नजरा दुड़ा लई। मैं किसे नु कुछ नहीं कहना मैं किसे नु कुछ नहीं जे आखना आपे ही नजरा दुड़ानियां आपे ही फैसला करना है की बनदा पिया है ते दुनिया किधर नु टुरी जा रही है। 29 सफर 11 हिजरी रबीउल अव्वल तो एक दिन पहले दा दिन है ते अल्लाह दे नबी दे सार मुबारक नु दर्द शुरू हो गई है। इमामे कायनात घर आए ने आ करके कहन लगे ऐ मेरी प्यारी ऐश मेरे सिर नु दर्द हुंदी पई है। अल्लाह दे नबी फरमाया अपनी प्यारी बीवी नाल मुहब्बत दीआं गल्लां शुरू करदे पैने। इमामे कायनात फरमाया ऐ मेरी प्यारी ऐश अगर तू दुनिया तो चली गई मेरी जिंदगी दे अंदर ते मैं तैनू आप गुसल देंगा मैं तैनू आप कफन पहनावांगा मैं तेरा जनादा पहनावांगा। अल्लाह दे नबी इमामे कायनात जनाबे मुहम्मद रसूलुल्लाह दी प्यारी बीवी ने फरमाया ऐ अल्लाह दे नबी जी तुहाडा मुहब्बत दीआं गल्लां ने मीवी मियां बीवी दीआं ऐ अल्लाह दे नबी जी ऐ मुहम्मद पाक जी तुहाडा ते दिल करदा है आयशा मैनू छड के चली जाए तुहाडा ते दिल करदा है आयशा मेरे नाल ना रवे। मेरे नबी मुस्कुरान लग पैने। अल्लाह दे नबी ने फरमाया आय आयशा आ वेख ना अज मेरा सर बड़ा दर्द करदा पिया है अज मेरे सिर नू बड़ी दर्द हो रही है। इमामे कायनात जनाबे मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे नबी इमामे कायनात ने फरमाया आयशा मैनू दम कर ते दम करके भूख मार ए आखिरी हफ्ता है 29 सफर है रबीउल अव्वल दा महीना शुरू होन लगे है ते वीर सोने अल्लाह दे नबी दी तबीयत खराब हो गई है। इमामे कायनात दी तबीयत खराब हुंदी जा रही वक्त गुजरदा जा रहा है ए रबीउल अव्वल दे अंदर रबीउल अव्वल चढ़िया है ते अल्लाह दे नबी दे सिर मुबारक नु दर्द है। रबीउल अव्वल चढ़िया है ते इमामे कायनात नु बुखार है रबीउल अव्वल चढ़िया है ते अल्लाह दे नबी तकलीफ अंदर मुबतला ने रबीउल अव्वल चढ़िया है इमामे कायनात परेशानी अंदर मुबतला ने कदे नजरां दुड़ाया कर ते कदे वेखिया कर इमामे कायनात जनाबे मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे नबी दी जिंदगी नु भी वेखिया कर पढ़िया कर मुहब्बत करिया कर लेकिन मुहब्बत करन दा अंदाज ओ अपनाया कर जिहड़ा सहाबा इकराम ने अपनाया है। मुहब्बत इंज करिया कर जिवें नबी दे यारां ने करके वखाई है ए मर्ज दा आगाज शुरू हो गया है रबीउल अव्वल दे शुरू हुंदे आई रबीउल अव्वल दे आगाज अंदर ही ते मेरे नबी दा यार हजरत अली रज़ी अल्लाहु तआला अन्हु इमामे कायनात जनाबे मुहम्मद
रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नू मस्जिद नबवी अंदरों पकड़े आए। हजरत अली ने ते मेरे नबी दा चचा हजरत अब्बास ने इंज करके अल्लाह दे नबी नू सहारा दिता है ते घर दे अंदर लै करके आ गए ने। अल्लाह दे नबी नू घर अंदर लियांदा गया है ते मेरे नबी दे पैर इंज जमीन ते गिस्टे आंदे ने लत्तां दे अंदर टंगां दे अंदर जिहड़ा ना मेरे नबी इमामे कायनात बदरुद दुजा खैरुल वरा शम्सुज जुहा चौदह तबका दे सरदार जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बीमारी दी वजह तो जिस्म अंदर कमजोरी आ गई है। हजरत अली पकड़िया ते चचा अब्बास पकड़िया। सही बुखारी दी रवायत पढ़दा पिया जा लै जाई जिन्हों मर्दी वखा लई वीर सुने अगर बुखारी अंदर ना होए ते मैं तेरा मुजरम हां। हजरत अली ते हजरत अब्बास पकड़िया ते घर अंदर लैके आंदे पै ने मेरे नबी बीमार ने ते बीमारी दी वजह तो जिस्म अंदर कमजोरी आ गई है। घर अंदर लिया के इमामे कायनात नू घर अंदर बिठा दिता है ते हजरत चचा फरमांदे ने अली यार मैनू सोने नबी दी तबीयत तो लगदा पिया है मैनू लगदा है जिवें ए बीमारी इमामे कायनात नू इस दुनिया तो लै करके चली जाएगी मैनू लगदा पिया है क्योंकि मैं अब्दुल मुतलब दे खानदान दे चेहरियां नू वेखिया है जदों मौत दा वक्त करीब आ जाए उन्हां दे चेहरियां ते रंग एवें दे हो जांदे ने मैं वेखिया है इन्हां दे चेहरे ते रंग ओवें दे ते मैनू लगदा है इन्हां दे मौत दे आसार नजर आ रहे ने। बुखारी पाक दे अंदर अल्फाज मौजूद ने ते अम्मा जी आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाहु तआला अन्हा ने अल्लाह दे नबी नू वेखिया है ते इमामे कायनात नू दम कर दियां पईयां ने मुअव्वज़तैन पढ़ पढ़ के दम कर दियां पईयां ने कुल कुल आऊज़ु बिरब्बिन नास मालिकिन नास इलाहिन नास मिन शर्रिल वस तुम्हें पढ़िया कर कुल आऊज़ु बिरब्बिल फलक कुल आऊज़ु बिरब्बिन नास। अल्लाह दे नबी ने फरमाया हर मर्ज दा इलाज अल्लाह ने ना दो सूरतां दे अंदर रखिया है ते सोने नबी नू अम्मा जी आयशा पढ़ पढ़ के दम कीती जा रही ने अल्लाह दे नबी नू पढ़ पढ़ के फूकी जा रही ने नाल पानी पिलाई जा रही ने वीर सोने मर्ज बढ़ती जा रही है ते सोने नबी कदे किसे बीवी दे घर कदे किसे बीवी दे घर ते अल्लाह दे नबी हर बीवी नू पुछदे ने कल किंदी वारी है कल मैं किंदे घर जाना है कल मैं किंदे घर जाना है ते वीर सोने सारिया बीवियां समझ गई फरमाया अल्लाह दे नबी जी जिंदे घर दिल कर दे रह लो अल्लाह दे नबी जी जिंदे घर दिल कर दे क्याम कर लो ते सोने नबी अम्मा जी आयशा सिद्दीका दे घर आ गए ने अम्मा जी आयशा दे घर आ गए सोने नबी जेड़ा मेरे नबी दे दुनिया तो जान तो पहले वीर मैं तेनू दसदा पिया वा एक रबीउल अव्वल अज आया है एक रबीउल अव्वल मदीना पाक दे अंदर 11 हिजरी नू आया सी आ वेख 12 रबीउल अव्वल तो पहले 8 रबीउल अव्वल है ते अल्लाह दे नबी दी तबीयत बड़ी ज्यादा खराब हो जाती है जुमे रात दा दिन है ते इमामे कायनात जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इमामे कायनात दी मर्ज शिद्दत पकड़ गई है अल्लाह दे नबी ते बेहोशियां तारीख हो रही ने इमामे कायनात कदे बेहोश हुंदे ने कदे होश अंदर आ जांदे ने अल्लाह दे नबी कदे जिहड़ा ना बड़ा ज्यादा तकलीफ दा दिन गुजरदा पिया है 8 रबीउल अव्वल 8 रबीउल अव्वल जुमेरात दा दिन ते अल्लाह दे नबी दी मर्ज बड़ी ज्यादा वध गई है इमामे कायनात दी मर्ज बहुत ज्यादा शिद्दत इख्तियार कर गई है। सहाबा इकराम अल्लाह दे नबी दा पता करन वास्ते आंदे ने इमामे कायनात कोल बैठे होए ने सोने नबी दे यार फरमाया बुखारी पाक दे अंदर रवायत है अल्लाह दे नबी ने तीन बातां दी वसीयत फरमाई है इमामे कायनात ने तीन बातां दसियां ने फरमाया मेरे सहाबा इकराम अगर मैं इस दुनिया ते ना रवां अगर मैं चला जावां ते मुशरकीन नू यहूदियां नू मदीने दे अंदरों बाहर जजीरे चो निकाल दिया जे फिर फरमाया अगर तुहाडे कोल कोई
वफद आ जाए ते उंदियां मेहमान नवाजियां करे आ जाए ते रावी बयान कर दे जेड़ी तीसरी गल लब्द नबी दसी ओ मेरे जेन अंदरों निकल गई है ओ मेरे जेन अंदर नहीं रही ते ए दिन तीन दिन बाकी रह गए ने ते इमामे कहना जनाबे मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इशा दा टाइम है इशा दी नमाज दा वक्त है ते अल्लाह दे नबी ने फरमाया ऐ सहाबा इकराम नमाज अदा कर लईए ते सहाबी बयान कर दे वहुम यंतज़िरूनक अल्लाह दे नबी जी सारे सहाबा तुहाडा इंतजार करदे पए ने अल्लाह दे नबी फरमाया ऐ मेरे सहाबा इकराम मैनू उठाओ मैनू जगाओ मैं जड़ा जाके नमाज पढ़ाना चाहना वा इमाम कायनात नू उठाया गया है अल्लाह दे नबी गुसल फरमाया जा नमाज मस्जिद दे अंदर जान लगे ने फिर गशी तारी हो गई है ते मुड़ लेट गए ने मुड़ जा गई पुछया ऐ मेरे सहाबा इकराम नमाज पढ़ लिया कि नहीं अल्लाह दे नबी जी हुम यंतज़िरूनका तुहाडा इंतजार है अल्लाह दे नबी यंतज़िरूनका तुहाडा इंतजार पिया हुंदा है अल्लाह दे नबी फरमाया मैनू उठाओ ते मैं गुसल करा ते मस्जिद अंदर जावा दोबारा उठाया गया दोबारा फिर गुसल किया है मोड़ी मामे कायनात उठे ने मस्जिद अंदर जान लगे ने ते फिर गशी तारीख हो गई है मोड़ बेहोश हो गए ने रबीउल अव्वल ए वीर सोनिया मदीने पाक दा रबीउल अव्वल अज तो 1400 साल पहले दा रबीउल अव्वल है रबीउल अव्वल है जड़ा ना 8 दा तारीख है ते आ वेख अज 8 नु की बनदा पिया है मेरे नबी तकलीफ अंदर मेरे नबी दुख अंदर मैं खुशियां मनावां ते किवें मनावां मैं वीर सोनिया आज जश्न मनावां ते किवें मनावां अल्लाह दे नबी इमामे कायनात बदरुद्दुजा खैरुल वरा शमसुज़ुहा चौदह तबका दे सरदार जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैं तेरे दिल ते दस्तक देना चाहना अल्लाह करे मेरी गल तेरे दिल ते लग जाए अल्लाह करे तेनू समझ आ जाए जेड़ी गल मैं समझाना चाहना वा वीर अल्लाह दे नबी दोबारा फिर बेहोश हो गए ने तीसरी दफा मुड़ उठे फरमाया नमाज पढ़ लईए अल्लाह दे नबी जी तुहाडा इंतजार पिया हुंदा है इमामे कायनात जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मरू अबा बकर फलयुसल्ली बिन्नास अबू बकर नु कहो लोगां नु नमाज पढ़ा दे आज मुहम्मद दे जिस्म अंदर ताकत कोई नहीं के मस्जिद अंदर आ जाए ओए 8 रबीउल अव्वल रबीउल अव्वल दा महीना ते इमामे कायनात फरमाया अबू बकर नु कहो नमाज पढ़ाए मरू अबा बकर फलयुसल्ली बिन्नास अबू बकर नु कहो नमाज पढ़ाए आज मेरे अंदर जिस्म अंदर ताकत कोई नहीं मैं जाके मस्जिद अंदर नमाज अदा कर सका ए रबीउल अव्वल गुजरिया जे मदीना पाक अंदर अल्लाह दे नबी इमामे कायनात ने फरमाया ते अम्मा जी आयशा कहंदियां ने अल्लाह दे नबी जी मेरे अब्बा जान दा दिल बड़ा नरम है तुहाडे मुसल्ले ते खड़े हो के किवें नमाज पढ़ाणगे अल्लाह दे नबी किसे होर नु हुक्म दे दियो फरमाया नहीं अबू बकर नु कहो फिर अर्ज कीती सोने नबी किसे होर नु हुक्म दे दियो अबू बकर दा दिल बड़ा नरम है किवें नमाज पढ़ाएगा फरमाया क्यों यूसुफ वालियां बीबियां दियां गल्लां करदियां पईयां ओ मैं हुक्म दे छड्या नमाज पढ़ाएगा ते अबू बकर पढ़ाएगा इमामे कायनात ने दसिया मेरे जान तो बाद अगर मेरे मुसल्ले दा सब तो पहला वारस होएगा ते अबू बकर सिद्दीक होएगा ए रबीउल अव्वल गुजरिया मदीना पाक अंदर हुण रबीउल अव्वल गुजर रहा पाकिस्तान अंदर हुण तुसी नजरां दौड़ा लो इस रबीउल अव्वल ते इमामे कायनात जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी जिंदगी दा रबीउल अव्वल भी वेख लो इमामे कायनात दी जिंदगी दा रबीउल अव्वल भी तक लो वीर सोणिया ओ भी वेख ले उदो रबीउल अव्वल किवें गुजरिया ते हुण रबीउल अव्वल किवें गुजर रहा चार दिन पहले जुमेरात नू इशा दी नमाज टाइम फरमाया सहाबा इकराम
अबू बकर नु कौ नमाज पढ़ा दे, मैं मुहम्मद दे जिस्म अंदर ताकत कोई नहीं कि मस्जिद दे अंदर आके मैं नमाज पढ़ा सका। इनी बीमारी शिद्दत इख्तियार कर गई है, इन्ने इमामे कायनात परेशान ने, इन्ना परेशानी दा आलम ते अल्लाह दे नबी जनाबे मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे नबी ने, अल्लाह दे नबी ने आखिरी दिन गुजरते पैने, एक दिन हफ्ते वाले दिन तबीयत अंदर कुछ बेहतरी आ गई है, अतवार वाले दिन अल्लाह दे नबी की तबीयत कुछ बेहतर आ गई, ते जोर दी नमाज दा टाइम है, जोर दी नमाज दा टाइम। ते इमाम कायनात ने फरमाया ऐ मेरे सहाबा इकराम मैनू मस्जिद दे अंदर लै करके जाओ, ते इमाम कायनात चलते चलते मस्जिद अंदर आ गए ने, अल्लाह दे नबी टुरदे टुरदे सहाबा इकराम ने आसरा दिता है, एक पासे हजरत अली एक पासे हजरत अब्बास रजी अल्लाह तआला अनहु आसरा दिता है इमाम कायनात नू जोर दी नमाज दा टाइम, ते हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अनहु नमाज पढ़ांदे पए ने, हजरत अबू बकर सिद्दीक मुसल्ले ते खड़े होए, ते अल्लाह दे नबी नू वेखिया ते पीछे हटन दी कोशिश कीती, इमाम ने कहना इशारा कर छड़िया रुक जा अबू बकर रुक जा, अल्लाह दे नबी जाके खड़े हो गए ने, कैसा मंदिर बने है सोने नबी इमाम अबू बकर दे, ते अबू बकर इमाम सहाबा इकराम दे, हजरत अबू बकर सिद्दीक सोने नबी दी इक्तदा करदे पैने, ते हजरत अबू बकर दी इक्तदा सहाबा इकराम करदे पैने, नमाज पढ़ा तो बाद इमाम में कायनात बद्रुद्दुजा खैरुल वरा शमसुज़ुहा चौथा तबका दे सरदार जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिंबरे रसूल ते बैठ गए, इमाम में कायनात ने वसीता फरमाया गुलाम नल ज़ियाती नहीं करनी, एक दूसरे ते फकीयत नहीं देनी, गल्ला दसिया अल्लाह दे नबी ने वक्त इजाजत नहीं दे रहा, मैं जड़ी गल समझाना चाहना, इमाम में कायनात बैठे हुए ने फरमाया मेरे सहाबा इकराम अगर मैं दुनिया च रहंदे होया किसी नाल ज़ियाती कर ली होए ते मैं मुहम्मद मौजूद हाँ, अगर किसी ते जुलम कीता होए ते मैं मौजूद हाँ, इत्थे बदला ले लो कल कियामत वाले दिन मेरे को बदला नहीं दिता जाना, वो दिन बड़ा सख्त होएगा, सोने नबी दी सीरत पढ़िया कर तैनू पता लग जाए, सोने नबी दा कलमा पढ़ना है ते अल्लाह दे नबी ते किसी नाल कदे ज़ियाती कीती कोई नहीं, इमाम में कायनात ते कदे किसे नु कुछ किया ही कोई नहीं, मेरा नबी ते ओ नबी है जेड़ा पत्थर खा के भी दुआवां कर दे, इमाम में कायनात ते ओ नबी है जेड़ा गालियां खा के भी दुआवां कर दे, अल्लाह दे नबी ते ओ नबी ने जेड़ा बुरा भला सुन के भी दुआवां कर दे ने, फिर भी सोने नबी फरमाया ऐ मेरे सहाबा इकराम आ मैं बैठा मैं मौजूद हां, अगर मेरे कोलो किसे ने बदला लेना है अज ले लो कल कियामत वाले दिन मैं बदला नहीं दे सकांगा, मेरे को बदला नहीं दिता जाएगा, सारे सहाबा इकराम सिर झुकाए ने, ते एक सहाबी हाथ खड़ा कीता कह लगे अल्लाह दे नबी जी मैं बदला लेना चाहना मैं बदला लेना है, हाँ यार किस गल का बदला लेना है, आखे अल्लाह दे नबी इमाम में कायनात जी एक दिन तुसी जड़ा ना सफा बना दिया मैनू छड़ी मारी सी अज मैं बदला लेना चाहना वा, सहाबा इकराम ने उन्दे वल नजरा उठाइया ते वेखिया फरमान लगे ओए किवें दियां गल्लां करदा पिया यार, अल्लाह दे नबी मरज अंदर ने सोने नबी दी तबीयत ठीक नहीं है ते तू किवें दियां बातां करना है, उन्हें कहा नहीं नहीं मैं ते बदला लेना ही लेना है, लेकिन पता नहीं सी कि वो ते मुहब्बत दा इजहार करना चाहता है, वो ते प्यार दा इजहार करना चाहता है, अल्लाह दे नबी इमाम कायनात ने फरमाया सोटी लियांदी जाए, सहाबा इकराम हैरान हो गए ने, एक ही मंदिर बन गया है एक ही गल बन गई है, इमाम ने कहना फरमाया ना ना यार अगर मेरे को एक काम खोया है तो मैं दुनिया च बदला दे के जाना चाहना, इमाम ने कहना तो मैं फरमाया ऐ मेरे सहाबा इकराम सोटी ले आओ लियांदी गई, अल्लाह दे नबी पूछिया हाँ यार लै बदला, अगे कहिंदा नहीं सोने नबी इंज बदला नहीं लेना, जदों तुसी मैनू सटे मारी सी मैनू सोटी
मारी सी, मेरे जिस्म ते कपड़ा कोई नहीं सी, कपड़ा उठाओ ते मैं मोड़ जड़ा ना बदला लवांगा। इमाम में कायनात ने एंज थोड़ा जा कपड़ा उठाया, ये छोटी सट दे ते दौड़ दौड़ा के इमाम में कायनात दे जिस्म ते इत्थे बनी हुई मोरे नबूवत नु चूम लैंदा है। कहिंदा सोणिया नबिया मैं सोचिया अज मौका बन गया ते जाया ना जावण दियां, अज मौका बन गया जाया ना जावण दियां। सोने नबी मेरे लब तुहाडे जिस्म नु लग गए ने, मेरा ईमान है हुण मेरे लबां ते जहन्नम दी अग आ नहीं सकदी। मैं देश वास्ते आखिया सी कि मैं अल्लाह दे नबी बदला लेना चाहना, होर भला मेरी जुर्रत, मेरे ते बच्चे तुहाडे ते कुर्बान, मेरे ते मां बाप तुहाडे ते कुर्बान, मेरे ते मापे तुहाडे ते कुर्बान। वीर सोणिया दिन बारह रबी अव्वल दा चढ़ गया ई, आ गल सुनन वाली दिन बारह रबी अव्वल दा मदीना पा के ग्यारह खिजरी है ते अल्लाह दे नबी दे यार हजरत अबू बकर सिद्दीक नमाजा पढ़ाते पे ने, सतारा नमादा पंद्रह सतारा नमादा। सोने नबी तैयार हजरत अबू बकर सिद्दीक ने इमामे कायनात दी जिंदगी दे अंदर, सोने नबी तैयार सोने इमामे कायनात दी जिंदगी दे अंदर मुसल्ला नबवी ते खड़े होके पढ़ाइया ने। अल्लाह दे नबी दे यार हजरत अबू बकर सुबह दी नमाज पढ़ाईए, आके अर्ज कीती सोने नबी अगर तुहाडी तबीयत कुछ ठीक है ते मैं ते दो दिन हो गया घर नहीं गया, मस्जिद दे अंदर बैठा होया। सहाबा इकराम ते परेशानी दा आलम, हर काम भुल गया है। सोने नबी दे दरवाजे नु तक्की जा रहे ने, अल्लाह दे नबी अगर इजाजत होए ते मैं घरों चक्कर मेरी बेटी फातिमा नु बुला के ले आओ, मेरा दिल कर दे मैं उन्हां नाल मिल लवां, मेरा दिल कर दे मैं उन्हां नाल मुलाकात कर लवां। दिन बारह रबीउल अव्वल दा चढ़िया है, सुबह दा टाइम है जिहड़ा ना अठ नौ बजे दा टाइम शुरू हो गया है। हजरत अबू बकर सिद्दीक घर चले गए ते अम्मा जी फातिमा इमामे कायनात नु मिलन वास्ते आ गईयां। सोने नबी इमामे कायनात बदरुद्दुजा जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह दे नबी जड़ा ना वीर सोने अम्मा जी फातिमा नु बुलाया ते कान अंदर गल कीती है। अम्मा जी फातिमा सुनिया है ते रोन लग पईयां ने, अम्मा जी फातिमा सुनिया है ते रोन लग पईयां ने। ओए वीर बारह रबीउल अव्वल दा दिन याद करके लै जा, दिल दियां तख्तियां ते लिख के लै जा। मदीने दे अंदर बारह रबीउल अव्वल किंज आया है, अल्लाह दे नबी दी प्यारी बेटी रोंदी पई है। फिर सोने नबी ने दोबारा बुलाया, दोबारा कन्ना दे अंदर गल कीती है ते अम्मा जी फातिमा मुस्कुरान लग पैंदियां ने, अम्मा जी फातिमा हसन लग पैंदियां ने। वीर सोणिया तबीयत दोबारा खराब होना शुरू हो गई है, अल्लाह दे नबी अम्मा जी आयशा दे गोदी मुबारक दे अंदर सर रखिया होया है। इमामे कायनात वेखिया सामने मेरे नबी दा जिहड़ा ना रिश्तेदार आंदा पिया है, अम्मा जी आयशा दा भाई आ रिहा है हाथ अंदर मिसवाक है ते अल्लाह दे नबी ने इंज मिसवाक वल इशारा कीता है। इमामे कायनात ने फरमाया मैनू मिसवाक चाहिदी है, मिसवाक लियांदी गई है अल्लाह दे नबी नु दित्ती गई है ते इमामे कायनात ने मिसवाक चबाना चाहिए। तबीयत अंदर इन्नी कमजोरी है कि मुंह नाल बारह रबीउल अव्वल नु मिसवाक भी चबाई नहीं जा रही। एडा दुखी दिन, एडा परेशानी वाला दिन, ए बारह रबीउल अव्वल दा दिन मदीना पाक अंदर गुजरे आए। वीर सोनिया अम्मा जी फातिमा रदी अल्लाह तआला अनखा तशरीफ फरमाने, अम्मा जी आयशा ने वेख्या फरमाया अल्लाह दे नबी जी मैं नरम कर देनी आ। अल्लाह दे नबी ने फरमाया अल्ला आयशा नरम कर दे, हदीस पाक दे अल्फाज ने। अम्मा जी आयशा ने अपने मुंह अंदर डाल के मिसवाक नरम करके दिती है ते ओवे ही मिसवाक इमामे कायनात ने कर लई है। ए मोहब्बत ने घर वालिया नाल सो
सोने नबी दियां ते अम्मा जी फातिमा वेखे है सोने नबी दी तकलीफ बढ़ती जा रही है अल्लाह दे नबी दी तकलीफ ज्यादा हुंदी जा रही है ते अल्लाह दे नबी इमामे कायनात जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे कोल एक पानी वाला प्याला पिया होया है ते वीर सोनिया ए वेख तकलीफ बारा रबीउल अव्वल दे दिन दी अल्लाह दे नबी इंज प्याले दे अंदर हाथ भिगोंदे ने अपने चेहरे ते ला लैंदे ने दोबारा भिगोंदे ने फिर चेहरे ते ला लैंदे ने ते अम्मा जी फातिमा बैठियां होंदियां ने ते कहंदियां ने वाह करा बाबा हु हाय मेरे अब्बा जान दी तकलीफ हाय मेरे अब्बा जान दी तकलीफ हाय मेरे अब्बा जान दी तकलीफ अम्मा जी फातिमा वेखी जा रहियां ने नाल रोई जा रहियां ने अम्मा जी आयशा दी गोदी मुबारक अंदर सिर रख्या होया है इमामे कायनात ने बारा रबीउल अव्वल दा दिन इंज हाथ खड़ा कीता आसमान दी वल ते पढ़दे ने अल्लाहुम्मा बिर्रफीकिल आला अल्लाहुम्मा बिर्रफीकिल आला हाथ खड़ा करके पढ़दिया पढ़दिया हाथ थल्ले आंदा जा रहा है हाथ थल्ले आंदा थल्ले लग गया है अम्मा जी आयशा ने वेखिया ते समझ गईया कि मेरे सर दे ताज अज दुनिया ते नहीं रह गए अम्मा जी फातिमा वेखिया समझ गईया मेरे अब्बा जान अज दुनिया ते नहीं रह गए इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन ले ओ यार हवाले रब दे ते मिल ले जान दी वारी इस मिलने नू याद करे से ते रोसे उमरा सारी इमामुल अंबिया जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इमामे कायनात दुनिया तो चले गए सहाबा इकराम मस्जिद नबवी अंदर बैठे हुए ने इंतजार करते पे ने के कदों अल्लाह दे नबी दी तबीयत कुछ ठीक होए ते असी जाके इमामे कायनात दे नाल मुलाकात कर लईए अम्मा जी आयशा ने आवाज दे के फरमाया ऐ सहाबा इकराम इमामे कायनात इस दुनिया च नहीं रहने ते कोहराम मच गया है मस्जिद नबवी दे अंदर कोहराम मच गया है हर सहाबी दियां अखां बरसदियां पईयां ने बारा रबीउल अव्वल हर सहाबी रोई जा रहे है हर सहाबी दुखी होई जा रहे है अल्लाह दे नबी दे यार बैठे ने ते हजरत उमर जुर्रत वाला उमर गैरत वाला उमर ओ उमर जेड़े बाजार चो लंघ जाए ते उस बाजार अंदरों शैतान नहीं लंघदा हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अनखो ने जेड़ा ना जदो सुनया ते हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अनखो तलवार निकाल लईए तलवार निकालन तो बाद इमामे कायनात जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सोने नबी दे बारे ऐलान कर देने ऐ मदीने दे लोगो अगर किसे आखिया मुहम्मद इस दुनिया ते नहीं रहे ते मैं उमर उंदी गर्दन तन तो जुदा कर छड़ांगा ये बारा रबीउल अव्वल मदीना पाक अंदर है हजरत उमर फरमांदे ने अगर आज किसे आखिया के इमामे कायनात इस दुनिया च नहीं रहे ते मैं उंदी गर्दन तन तो जुदा कर छड़ांगा सहाबा इकराम नजरां झुकाइयां ने ते रोई जा रहे ने सहाबा इकराम नजरां झुकाइयां ने ते रोई जा रहे ने अल्लाह दे नबी इमामे कायनात जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे नबी दा यार हजरत अबू बकर बाजार अंदर आंदा पिया है एक सहाबी बाजार दे अंदर जांदे कहन लगे अबू बकर तैनू नहीं पता अखे की गल हो गई है अखे यार अल्लाह दे नबी इस दुनिया ते नहीं रहने हजरत अबू बकर चलदे चलदे आए इमामे कायनात दे चेहरा मुबारक तो कपड़ा हटाया ते बोसा दिता ते अल्लाह दे नबी इमामे कायनात दे बारे फरमाया ऐ सोने नबी जी तुहाडे ते दो मोतां कठियां नहीं हो सकदियां ते मस्जिद नबवी अंदर आके वेखिया सहाबा इकराम बैठे रोई जा रहे ने ते उमर पाक तलवार निकाली है
ते कहिंदे ने अगर किसे आख्या मुहम्मद पाक नहीं रहे ते मैं गर्दन तन तो जुदा कर दियांगा। हज़रत अबू बकर फरमाया उमर यार बह जा, लेकिन उमर कितों सुन दाए, उमर कितों सुन दाए, उमर ते दुख अंदर जोया खलाए। उमर रजी अल्लाह तआला नो फरमांदे ने अबू बकर यार अगर किसे आख्या कि अल्लाह ते नबी नहीं रहे ते मैं गर्दन तन तो जुदा कर दियांगा। इमाम कायनात जनाबे मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा यार हजरत अबू बकर मिंबर ते बैठे ने ते खुतबा शुरू कीता है। खुतबा पढ़न तो बाद फरमाया अगर जेड़ा मुहम्मद पाक दी इबादत करदा सी ओ सुन लवे कि अल्लाह दे नबी इस दुनिया ते नहीं रहे ते जेड़ा रब दी इबादत करदा सी ओ याद कर लवे कि मेरा अल्लाह जिंदा है, मेरा अल्लाह हय्युल कय्यूम है। ते नाल हजरत अबू बकर आयत पढ़ी वमा मुहम्मदुन इल्ला रसूल कद खलत मिन कबलिहिर रुसुल अफ इन माता। हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अनखो ते हाथ अंदरों तलवार डिग पई है ते उमर कहंदे ने मैनू इंज लग्या जिवें अल्लाह ने ए आयत अबू बकर ते नाजिल कीती है। ਇਹ ਦੁੱਖ ਦੀ ਘੜੀ ਏ 12 ਰਬੀਉਲ ਅਵਲ ਨੂੰ ਮਦੀਨਾ ਪਾਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੇ ਅੱਜ 12 ਰਬੀਉਲ ਅਵਲ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਪਏ ਉੱਥੇ ਕੋਹਰਾਮ ਮਚਿਆ ਹੈ ਮਦੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਲੰਸਰ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲਾਂ ਦੇ ਕੱਢ ਕੇ ਗਲੀਆਂ 'ਚ ਫਿਰਦੇ ਪਏ ਆ। ਕਦੇ ਸੋਹਣੇ ਨਬੀ ਦੀ ਸੀਰਤ ਪੜ੍ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਕਦੇ ਤੈਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਪੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਟਾਈਮ ਮਿਲਦਾ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੀ ਸਮਝ ਆਵੇ कदे तू दुनियादारी चो निकलदा ते तैनू इन्हां गल्लां दी समझ आवे आ। कदे तू रियाजियां कमेस्ट्रियां चो निकल के इमामे कायनात दी सीरत पढ़ी हुंदी ते अज इन्नी जहालत अंदर ना तू हुंदा। सानू ते टाइम ही नहीं मिलिया सोहणे नबी दी सीरत पढ़न दा। ए 12 रबीउल अव्वल ए ते सोहणे नबी मदीना पाक अंदर एक कोहराम मचिया है। हाली बड़िया गल्लां ने अम्मा जी फातिमा रोई जा रही ने, सहाबा इकराम रोई जा रहे ने, सहाबी बयान करते ने जेड़े सोहने नबी दी ऊंठनी है ना वो बाजार अंदर भजदी है कदे इधर जा कदे उधर जा कदे उधर जा ते सहाबी बयान करते ने वो ऊंठनी कुछ दिन जिंदा रही है सोहने नबी दे जान तो बाद उन्हें कुछ भी नहीं खादा ते अल्लाह दे नबी दे जान तो बाद वह भी इस दुनिया तो चली। अम्मा जी फातिमा फरमांदियां ने अनस तुहाडा किवें दिल कर पिया जिंदे ते तुसी जाना वारदे सो उंदे ते मिट्टी पा के आ गए हो। हजरत बिलाल मदीना छड़ के जा रहे ने, बिलाल किधर जा रहे हैं? अखे अगे मैं जदों कहिंदा सां शहादु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह ते मैनू सोहणे नबी दा चेहरा नज़र आंदा सी। हुण मैं जदों शहादु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह कहांगा ते मैनू इमामे कायनात दा चेहरा नज़र नहीं आना। बिलाल मदीने च रह के अजान ही नहीं दे सकदा। ये 12 रबीउल अव्वल मदीना पाक अंदर गुजरिया है। नजरां दौड़ाओ अपनी जिंदगी ते वेखो अपनी जिंदगी नूं असी की कर रहे हैं, उत्थे की कोहराम मचिया सी। अल्लाह सानूं अमल करन दी तौफीक अता फरमाए। आखिर दावा ना अलहम्दुलिल्लाह।